नमस्कार मित्रों, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं हमारा इंडिया टीवी आवाज जुर्म के खिलाफ। तो खबर देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यह अजीतवेल क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर कला में दो दिवसीय रामलीला के आयोजन में अजीतमल क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सोनू सेंगर ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया है। रामलीला के उद्घाटन करने आए सोनू सेंगर सहित उनके साथियों का रामलीला कमेटी एवं ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सोनू सेंगर ने रामलीला मंच पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रामलीला कमेटी एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया तथा उन्होंने जो कहा वह सुने। तुमने क्या कहा? अकेले अकेले मिलो? नहीं कुछ नहीं कहो। नहीं कहा? तुम जिन्हें कहा तुम सिंगर से कहा। कान पकड़ो। के अपने हमारे कान कहाँ है? तो ये क्या है? अच्छा कान नहीं है ना? अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि रावण तो एक ही मरा भगवान राम के द्वारा और विजयदशमी के दिन मरा, लेकिन परंपरा लगातार चली आ रही है। हर वर्ष कई जगह पूरे देश में, बल्कि पूरे विदेश में कहीं भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज भी रामलीला का बहुत अच्छा आयोजन होता है। एक साफ सुथरा संदेश यह दिया जाता है कि रावण तो पहले मर गया, लेकिन रावण रूपी अवगुण, ये समाज में ऐसे अराजक तत्व जो आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं, तो ये रामलीला मंचन के द्वारा उनका हर वर्ष वध होता है। सबसे बड़ी बात, हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आपके भी गांव में अगर 100 लोग या 10 लोग जिन्होंने रामलीला की शुरुआत बात कही होगी कि हम रामलीला कराना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 90-95% समर्थन में लाई होगी। लेकिन कुछ 5-7% लोग ऐसे भी रहे होंगे या होंगे, हो सकता है यहाँ भी हों, जो ये चाहते होंगे कि रामलीला में विघ्न पड़ जाए, कहीं ना कोई शराब पी के उल्टा सीधा हो जाए। तो ऐसे रावण हर साल हर जगह होते हैं, उन्हें चिन्हित करके कम से कम या तो उन्हें सदा सुधार करके इसी रामलीला के उसमें शामिल किया जाए, नहीं तो कम से कम समाज में उन्हें इस रूप में खड़ा कर दिया जाए वो अपने आप को शर्मसार महसूस करें। बहुत अच्छा लगता है जब कोई धार्मिक कार्य होता है, कम से कम एक समझ से लिखे चल जाते हो फिर माँ।